सद्गुरु महाराज की जय, बोलो बाके बिहारी लाल की जय। बिहारी लाल की मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा वाह है मैंने श्याम से वरदान एक ही, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जो भी शरण आया था वो उद्धार हो गया, जिसका भरोसा श्याम पे, जिसका भरोसा श्याम पे वाह टूटा कभी नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, जिसने प्रभु को पा लिया वो है खुश नसीब। इसकी मर्जी के बिना, इसकी मर्जी के बिना पत्ता हिले नहीं, बिल्कुल तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। वाह सुंदर। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूर्मर्दनम देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। संपूर्ण संसार के सबसे श्रेष्ठ सबसे उत्तम गुरु श्री कृष्ण के चरणों में, जगत के स्वामी श्री कृष्ण के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, उन्हें हम वंदना करते हैं। ओम श्री परमात्मने अरे नमः, श्रीमद् भगवत गीता अथ षष्ठोऽध्याय। हाँ जी प्रभु की प्यारी साथ संग जी, हम छठे अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्लोक क्रमांक हमने 24 तक श्रवण किए। थोड़ा सा सारांश लेकर आगे, पिछले श्लोक में प्रभु ने अपने मुखारविंद से हमें क्या समझाया, समझने का प्रयास करते हैं। पिछला श्लोक था, संकल्प प्रभावान कामांस त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मन सवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः, जिसका भावार्थ है कि मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित ना हो। उसे चाहिए कि मनोरथ से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। इसका सिंपल भावार्थ बनता है कि सांसारिक सुखों के आकर्षण में योगी अर्थात जिसका परमपिता से योग हो गया, मिलन हो गया है, स्वयं के कल्याण के बारे में सोचना भूल कर उकता जाता है। पर इस पर
इस अवस्था में योगी अपने हृदय पटल पर श्री कृष्ण को सारथी रूप में बसा लेना चाहिए। योगी इस प्रकार श्री भगवान के हृदय का मन का सारथी नियुक्त करते ही उसे स्वयं के विवेक से आदेश आने प्रारंभ हो जाते हैं। जब कोई योगी कोई परमात्मा की भक्ति में लगा हुआ पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर देता है, बिल्कुल उस परमात्मा से एकाकार हो जाता है, तो उसके मुखारविंद से जो उपदेश निकलते हैं वो स्वयं उसके विवेक से जो आदेश होते हैं वो स्वयं परमात्मा के होते हैं। तो यहाँ पर भगवान ये बता रहे हैं कि संकल्प और श्रद्धा के साथ हमें दृढ़ संकल्प भी करना है और मन में श्रद्धा भी रखनी है, अपने पथ से विचलित नहीं होना, तभी हम उस परमात्मा को पा सकते हैं। इच्छा से कामना का जन्म होता है, पद पदार्थ विद्या एवं ज्ञान सभी की इच्छाएं मन में कामना का सृजन करती रहती है। मतलब कभी ना कभी किसी ना किसी समय एक मिनट भी हमारा मन खाली नहीं रहता, हर समय चीजों के बारे में सोचता रहता है। संकल्प और विकल्प, अर्थात ये चीज चाहिए और उसका विकल्प भी कि अगर ना मिली तो क्या होगा। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो इच्छा जहाँ उत्पन्न ही होती है, किसी पद के लिए, किसी पदार्थ को पाने के लिए, किसी विद्या को पाने के लिए या ज्ञान, जो भी इच्छा मन में कामना का सृजन करती है जिसके कारण हम दौड़ते रहते हैं, उसी को ही इच्छे कंट्रोल करना है। योगी को अभ्यास द्वारा इन इच्छाओं का मन में उदय ही ना हो ऐसा प्रयास निरंतर करते रहना है। मतलब इच्छा तो हो लेकिन किसी पद की प्राप्ति के लिए होड़ ना हो, उस पदार्थ को पाने के लिए हमारी काम इच्छा मतलब इतना ना हो कि हम उसके पीछे ही पड़ जाए, हम अपनी इंद्रियों को पूरा उसमें लगा दें। तो जहां अगर किसी चीज एक होता है कि किसी चीज को देखा पा लिया संतुष्टि, लेकिन जहां पर उस चीज को पाने की होड़ लग जाती है कि दिन रात उसी के बारे में सोचना है कि ये चीज मिल जाए, इतना पैसा मिल जाए या मेरी पद प्रतिष्ठा इतनी ऊंची हो जाए, तो वो जो इच्छाएं मनुष्य को जब दौड़ाने लगती हैं तो भगवान कह रहे हैं उसको उसी वक्त समाप्त कर देना चाहिए। अन्यथा जिस प्रकार उपवास के पूर्व या पश्चात प्राणी अधिक भोजन ग्रहण कर लेता है वही स्थिति हो जाती है। मतलब जिसको लगता है कि मेरा व्रत आने वाला है तो मैं पहले से ही बहुत कुछ खा लूं, फिर उपवास रख लिया, या मेरा उपवास पूरा हो गया अब मैं बहुत कुछ बहुत सारी चीजें खा सकता हूँ, तो उसके उपवास का फिर उस त्याग का कोई फायदा ही नहीं है। अगर आपको अपनी इच्छाएं ही मन में ही कंट्रोल नहीं आया, अपनी इच्छाओं को ही काबू में करना नहीं सीखा, तो उस उपवास का क्या अर्थ रह गया? उपवास का अर्थ ही होता है त्याग देना। योगी की इच्छाएं एवं कामनाएं उपवास के पूर्व तथा पश्चात एक समान होनी चाहिए। योगी तभी माना जाएगा जब उसने उपवास से पहले जो दृढ़ संकल्प किया था और उपवास के बाद जो उसकी भूख थी वो एक समान हो, वो डोले नहीं, लालच में ना आए, अपने मन पर अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह से उसका नियंत्रण हो, तभी वो योगी पूर्ण योगी कहलाता है। अब अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 25। शनै शनै रूपमेद बुद्धया धृतिगृह्यतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किश्चिदपि चिन्तयेत्। अब ये मन कैसे काबू में आएगा, ये अगले श्लोक में भगवान अपने मुखारविंद से अर्जुन के माध्यम से हमें समझा रहे हैं कि धीरे धीरे क्रमशः, क्रमशः मतलब स्टेप बाय स्टेप, पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा, मतलब हमारा विश्वास भी हो पूरा समर्पण भी हो, बुद्धि के द्वारा अपने मन को बुद्धि को कंट्रोल में करके समाधि में स्थित होना चाहिए, अपने मन को एकाग्रचित करना चाहिए। और इस प्रकार मन जब हमारा शांत हो जाए तब उसको आत्मा में अंतरात्मा में स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। जब हम अपने मन को धीरे धीरे कोशिश बार बार जब भी भटके उसको बाहर से फिर अंदर की ओर खींचना है, बाहर के विषय विकारों से फिर अंदर की ओर, बार बार जब हम मन का अभ्यास करेंगे, जब मन हमारा शांत हो जाएगा अंतर्मुखी हो जाएगा, तब हमें कुछ भी और विचार नहीं सोचना चाहिए। निश्चल मन को जब हम कर लेंगे तभी हम समाधि में
लीन हो पाएंगे। मन को विश्वास, ध्यान तथा इंद्रिय निवृत्ति द्वारा वश में करते हुए समाधि में स्थिर करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, जब तक शरीर का अस्तित्व है, तब तक मनुष्य पदार्थों में लगा रहता है, किंतु उसे इंद्रिय तृप्ति के विषय में नहीं सोचना चाहिए। जब तक शरीर है, तब तक आवश्यकताएं भी होगी, और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मनुष्य प्रयास भी करता रहेगा। इसलिए उसको, किंतु उसे इंद्रिय तृप्ति के विषय में नहीं सोचना, मतलब जो थोड़ा बहुत सूक्ष्म मिले उसमें ही सांत्वना करनी है, उसी में संतोष करना है। उसे परमात्मा के आनंद के अतिरिक्त किसी अन्य आनंद का चिंतन ही नहीं करना चाहिए। मतलब उसके अंदर सिर्फ एक ही होनी चाहिए इच्छा, कि मुझे उस परमात्मा से मिलन करना है। सिर्फ उसकी एक ही चिंतन, उसका उस मालिक की ओर होना चाहिए। बाकी इच्छाओं को, चीजों को प्राप्त करने की उसकी इच्छा मन में नहीं होनी चाहिए। कहने का भाव है कि मन को बाहर से हटाकर परमात्मा में लगाना, क्योंकि मन तो बहुत ही चलायमान है, बार बार इधर उधर, बार बार भटकता रहता है। इसलिए योगी को धीरे धीरे इस बहिर्मुखी, जो बाहर की चीजों को ही देखता रहता है, बाहर के इंद्रिय सुख में ही लगा रहता है, उसको अंतर्मुखी बनाने का प्रयास करना चाहिए और लगातार करते रहना चाहिए। जितना हमारा मन बाहर की तरफ भटकता है, उतना ही हमारा ध्यान फिर नहीं लगेगा। जैसे जैसे हमारा मन अंतर्मुखी होगा, बाहर की चीजों से भटकाव हट जाएगा, तभी हम उस परमात्मा की ओर अग्रसर हो पाएंगे। धैर्य के साथ मन को एकाग्रचित बनाने के अभ्यास निरंतर करते रहना चाहिए। मतलब पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि मन हमारा एकाग्रचित हो। अगर हम एक छोटा सा उदाहरण लें कि गाड़ी चलानी है किसी को, अगर वो इधर उधर भटकता रहेगा, तो कभी ना कभी उसकी गाड़ी कहीं ना कहीं टकराएगी, एक्सीडेंट होगा तो नुकसान भी होगा। लेकिन अगर वो पूरे कंसंट्रेशन से गाड़ी चलाएगा कि मुझे कहाँ स्पीड देनी है, कहाँ ब्रेक देनी है, कहाँ मुझे बिल्कुल दृष्टि अपनी प्रॉपर उस जगह पे रखेगा, तो वो दुर्घटना से बचा रहेगा। उसी तरह हमारे मन का भी है। अगर हम मन को बाहर इधर उधर विषय वासनाओं से हटकाकर अपनी कंसंट्रेशन उस मालिक की तरफ लगाएंगे, तो हम भी धीरे धीरे उस परमात्मा की ओर ही बढ़ते जाएंगे। उससे प्रेम हमारा बढ़ता जाएगा और हम भी अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे। जिस प्रकार माँ अपने बच्चों को बार बार पकड़कर प्यार से उसका ध्यान पढ़ाई की ओर ले जाती है कि उसके लिए वो पढ़ाई सबसे ज्यादा जरूरी है, उसी तरह मन को भी हमें नियंत्रण में करके निरंतर ये प्रयास करता रहना चाहिए कि योगी को किस तरह उस अध्यात्म की ओर लेके जाए। अर्थात कुछ भी नहीं सोचना, सिर्फ उस परमात्मा के अलावा। जैसे हम अगर अपनी आजकल जो हम पढ़ भी रहे हैं बापूजी की जीवनी, तो जब भी वो ध्यान एकाग्रता में बैठते थे, तो क्या करते थे? बाहर के कोई विषय वासना वाली कोई वस्तु नहीं, सिर्फ एक चित्त, उस परम पिता परमेश्वर के दर्शन उन्हें अंदर होते थे। तो ये अवस्था एक दिन में नहीं होती, ये धीरे 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 निरंतर अभ्यास करते रहते हैं, और फिर उस परमात्मा से इतना प्यार गहरा हो जाता है कि फिर सारी प्रकृति भी, जैसे हम कहते हैं कि हमने जैसे अभी पढ़ा भी सुना भी कितनी बारी, कि जहाँ बापूजी ओम बापूजी जहाँ पर अपना ध्यान समाधि लगाते थे, तो शेर भी आकर उनके पास बैठ जाते थे। मतलब प्रकृति भी, देवता भी आ गए थे स्वर्ग से उनका जब मंदिर का निर्माण हुआ था। तो ये क्यों हुआ? ये इसीलिए हुआ कि जो जिसका प्रेम इस परमात्मा के साथ, उसके साथ जुड़ जाता है, तो फिर वो स्वयं आते हैं, फिर स्वयं वो आते हैं उसके दर्शन करने कि हमारा ऐसा कौन सा लाल है, हमारा कौन सा ऐसा प्यारा बच्चा है जो हमें याद कर रहा है। फिर उसके लिए परमात्मा भी उनके स्वयं दर्शन करने आते हैं। इसलिए क्या कहा जाता है कि परमात्मा को कहीं इधर उधर नहीं खोजना चाहिए, परमात्मा तो हमारे स्वयं के अंदर है। लेकिन माया का पर्दा जो है वो हमें इतना ढके रहता है कि हमें पता ही नहीं कि हमारे अंदर कौन परमात्मा विराजमान है। हम सिर्फ इधर उधर बाहर की वस्तुओं में ही उस परमेश्वर को ढूंढते हैं, जबकि वो कण कण में विराजमान है। तो योगी को मन की चंचलता को निरंतर स्थिर करते रहना चाहिए और प्रयास करते रहना चाहिए कैन यू उस हेल्प मी परमात्मा टेक को टेक पाने के कैन लिए।
हेल्प मी टेक उसके दिस मालिक टेक दिस को आउट। भीतर खोजने का प्रयास करना चाहिए, बाहर की वस्तुओं में नहीं। आज के श्लोक को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। थैंक हरे नमः, हरे यू। हरे नमः, नमः, हरे हरे नमः। नमः। ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, ऐसा करिश्मा होगा जो, ऐसा करिश्मा होगा जो पहले हुआ नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, ही मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। बोलो सतगुरु महाराज की जय। बहुत सुंदर, धन्यवाद आपका, जो बहुत वेलकम सुंदर है। वेलकम। पर है थोड़े वाकई गुड़ बात ठीक है, ये धीरे धीरे ही हो सकता है। अभी मन किसी तरफ जाए ही ना, मतलब इच्छा की तरफ जाए ही ना, उसी वक्त उसको हटा लेना, ये है तो बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल शायद मुश्किल। धीरे नाम धीरे बात नाम बन सिमरन जाती होगी। हाँ चाहिए, नाम सिमरन। इसके लिए और कोई उपाय सही नहीं। बात माया है, तो बड़े 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 ऋषि मुनि नहीं बच पाए तो हम तो कुछ है ही सही नहीं। बात। इसीलिए सत्संग किया जाता है, गुरु का सत्संग सुना जाता है। जितना हो सकता है सत्संग करो, नाम सिमरन करो, तभी ये माया का पर्दा और बाहर सांसारिक से छूट के मन अंतर्मुखी होता है। सबको सत करता। थैंक यू सगीता एक बार फिर से। बात।